और एकजुटता का परिचय देकर ही हम चित कर पाएंगे जिनका मुकाबला है। वे बेहद होशियार लोग हैं, उन्हें कम मत आकिएगा। लेकिन भारत में राजनीति भावनात्मक मुद्दों पर ज्यादा होती है। बाबा साहब अंबेडकर जी भी मानते थे, उनकी कहावत भी है कि ऐसा समय अगर आए कि सही कोई सही कहने में आप डरें तो फिर तो ये गुलामी है। तो हमें ये भी विचार करना, आप सब बुद्धिजीवी हो, लेकिन आज वो लोग जिन्होंने कहा था 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन की मोहलत मांगता हूं, फिर किसी भी चौराहे पे मुझे दंड देना, आज वो लोग चर्चा क्यों नहीं करते? तो सामने वाले को चित कैसे करना है यहीं से सीखा जाएगा ना, यहीं से शुरुआत होगी। आपने चौधरी अजीत सिंह जी को भी करीब से देखा, चंदन ने वो पुरानी तस्वीरें, आज तो बहुत आसान हो गया, कोई फोटो एल्बम की जरूरत नहीं, उन्होंने अपने मोबाइल फोन पे ही मुझे दिखा दी पुरानी तस्वीर चौधरी साहब की आपके बीच की। और सही बात तो ये है कि लगभग 40 साल मुजफ्फरनगर के घर घर से आशीर्वाद और समर्थन और सहयोग चौधरी अजीत सिंह जी को मिला, तभी वो उनकी कलम में जो स्याही थी या जो ताकत थी वह आपकी एक बड़ी देन थी। और वो भी पहले से चली आ रही है परंपरा, उससे पहले भी आपने चौधरी चरण सिंह जी को पहचाना, उन्हें अपनाया और उनके साथ सुख में और दुख में उनकी पीड़ाओं को समझते हुए वो आपके लिए किन संभावनाओं के दरवाजे खोलना चाहते थे उन बातों को समझते हुए आपने भरपूर उनका सहयोग किया, ताकत दी। तो ये सिलसिला तो पुराना चला आ रहा है, आपका मुझ पे पूरा हक है और मेरा भी आप पे कुछ अधिकार है, मानते हो कि नहीं मानते? क्यों, रिश्ते तो दोनों तरफ निभाए जाते हैं। वो हमारा खून है, वो हमारा जज्बा है, वो हमारी परंपरा है, मैं भी निभाऊंगा। और मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत ही सुंदर तरीके से आपके तो हाथ, दोनों हाथ खड़े करवाए, आशीर्वाद दिलवाया। अभी कोई प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी कौन होगा इसका कोई मसला नहीं है, एकजुटता के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों, लोकदल के कार्यकर्ता हों, बाबा अंबेडकर को मानते हों, चौधरी चरण सिंह जी को मानते हों, सरदार पटेल जी को मानते हों, बाबू नारायण सिंह जी को मानते हों, सब लोग एक हैं और एकजुटता का परिचय देकर ही हम चित कर पाएंगे जिनका मुकाबला है। वे बेहद होशियार लोग हैं, उन्हें कम मत आकिएगा। उन्हें मालूम था कि चुनाव तो होगा, लेकिन क्या कह रहे थे, नहीं नहीं तो नियम नहीं है, नियम नहीं मालूम नहीं है, कानून में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, उन्हें मालूम था, वो तभी से चुनाव की तैयारी में लग गए। तो हमारे इस खतौली में लगभग 123 गांव हैं, 125 मान लो, छोटे मजरे होते हैं कभी उनकी गिनती ना हो रही हो, बढ़ गए, चलो 131 हो गए। हर बूथ में, हर गांव में, हर बस्ती में, हर नगर की छोटी सी छोटी गली में अगर आप इस चुनाव को अपना बनाकर लड़ लोगे तो कोई मजाल है क्या जीतो नहीं? जीत आपकी सुनिश्चित होगी। पिपलेड़ा की सरदारी से मैं कहने आया हूं, ये पिपलेड़ा की जीत होगी, तो पीछे मत रहना। मैं भी 20 साल से राजनीति को देख रहा हूं, चुनाव लड़ा हूं, चुनाव जीता हूं, चुनाव हारा हूं, चुनाव लड़वाया है, चुनाव का विश्लेषण किया है, नतीजों के पीछे समझने की कोशिश की है। और एक पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते मैं ये जो विश्लेषण है आपको बताना चाह रहा हूं। खास तौर से होता तो सब जगह पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत में राजनीति भावनात्मक मुद्दों पर ज्यादा होती है। और भावनात्मक जुड़ाव को हम और आप लोग ज्यादा अहमियत देते हैं। अब मूल जो मतदाता है उसकी अपनी परेशानियां होती हैं जीवन की, वो राजनीति के माध्यम से अपने जीवन में सुधार लाना चाहता है या देश को दिशा देना चाहता है, इसलिए मतदान करना चाहता है। लेकिन चुनाव आते 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 वो बात कब बदल जाती है, वो अपने रास्ते से कब भटक जाता है, शायद उस मतदाता को खुद नहीं मालूम पड़ पाता। मैं भी जानता हूं
यहां बहुत लोग खींचे चले आए हैं जो मुझसे प्यार करते हूं। उन्होंने चोई साहब को देखा, बड़े चोई साहब को देखा, पार्टी के पुराने होंगे या गठबंधन के, हमारे दोनों दल के पुराना उनका कोई सहयोग रहा होगा, तो आ गए। बहुत से ऐसे लोग यहां बैठे होंगे जिन्हें कोई मतलब नहीं मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, वो फिर भी हमारा जहां मैं कहूंगा मतदान कर देंगे, ऐसे हैं। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि विवेकपूर्ण मैं फैसले लूं कि आपका कभी अहित ना हो पाए, मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करूं। चौधरी चरण सिंह जी ने किया, कई बार वो ऐसी बात समाज में बोल देते थे जो उस समय उस दौर के सामाजिक चलन के हिसाब से कुछ लोगों को अटपटी लगती होंगी, और तभी नहीं आज भी अगर वो जिंदा होते और आज भी उन बातों को कहते तो वो बहुत लोगों के लिए अनपैलेटेबल होती, डाइजेस्ट नहीं होती। जैसा कि अंतरजातीय विवाह का उनका जो प्रस्ताव था वो जोर देते थे उस बात को, क्यों? जो उन्होंने कल्पना की थी कि समाज को बदलना है, समाज तब बदलेगा जब आपस के भेदभाव, आपस की दीवारें टूटेंगी, हम पहचानेंगे कि सिर्फ हम ही हम नहीं है, हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है समाज में, हम एक हैं और हम जैसे सारे लोग हैं, और उनको जब तक हम एक धागे से पिरो के नहीं लाएंगे तो ये गुलदस्ता जो भारत है, भारत का ये गुलदस्ता ये बन नहीं सकता, ये फूल नहीं सकता। तो उन्होंने कह दी जो उनको लगता था सही है, सही को सही कहने में पीछे नहीं हटना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी भी मानते थे, उनकी कहावत भी है कि ऐसा समय अगर आए कि सही को सही कहने में आप डरें तो फिर तो ये गुलामी है। तो हम किसी के गुलाम नहीं। जिस तरह आज आपसे आंख से आंख मिलाकर हमारे गठबंधन का कार्यकर्ता आपके बीच काम कर सकता है, क्योंकि हमने किसी को दबाया नहीं, किसी को डराया नहीं, किसी के साथ बुरा नहीं किया, झूठ नहीं बोले। चौधरी अजीत सिंह जी ने कितनी सभाएं करी, कितने चुनावी कार्यक्रमों में आपने उनको देखा होगा। ये लालच तो होता ही है ना कि थोड़ी सी बात कह दो और भावनात्मक जुड़ाव ऐसा बन जाएगा, लोग भूल जाएंगे और पूरी वोट मिल जाएगी। क्योंकि राजनीति में तो गिनती ही अहमियत रखती है ना, कि गिनती कितनी है। चौधरी साहब चाहते अपनी गिनती बढ़ा देते, बड़े चौधरी साहब के कितने किस्से हैं चुनावी सभा में गए प्रचार करने, उन्हें पता लग गया ये तो चुनाव बिगड़ रहा है क्योंकि हमारा उम्मीदवारी गलत है, वो कह दी बात। तो हमें ये भी विचार करना, आप सब बुद्धिजीवी हो, कुश्ती भी करनी है, हम फिजिकल सामर्थ्य भी हमें सबसे ज्यादा भागने का कूदने का है, तो हम किसान के बेटे हैं, लेकिन यहां से भी काम लेना है। हमारे मुद्दे क्या हैं? आप मुझसे प्यार करते हो वोट दो अच्छा है, अगर मैंने आपसे के साथ कभी गलत किया तो मुझे दंड दे देना, मैं तो खुले मन से दिल से कह रहा हूं। लेकिन आज वो लोग जिन्होंने कहा था 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन की मोहलत मांगता हूं, फिर किसी भी चौराहे पे मुझे दंड देना, आज वो लोग चर्चा क्यों नहीं करते? आज वो लोग क्यों नहीं कहते कि हमने गलत निर्णय लिया, जिम्मेदारी लेना? आज कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। RBI की रिपोर्ट आई है 2012 में 23,000 करोड़ का विलफुल डिफॉल्ट बैंकों के द्वारा हुआ। विलफुल डिफॉल्ट की परिभाषा होती है कि जानबूझकर जिस आदमी पे सामर्थ है पैसा लेकर लौटाने का, सामर्थ उस पे है लेकिन जानबूझकर वो गबन करके पैसा खा रहा है, और सरकारी बैंकों से पैसा लोन लेकर, मतलब आपके जेब से लोन लेने के बराबर, आपके पैसे पे गबन करने के बराबर है। ये पाप है, ये भ्रष्टाचार है। 2012 में 23,000 करोड़ का नुकसान हुआ, और 10 साल में 2022 में वही आंकड़ा 2,40,000 करोड़ का पहुंच चुका है, और उसमें ज्यादा लोग वो नहीं है जिन्होंने 1,00,000 रुपए का लोन लिया, नहीं, वे हैं जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा का लोन उनके खाते में दर्ज है, 100 करोड़ से ज्यादा उन्होंने रुपया ले लिया। तो ये किन की मित्र मंडली है? मैं तो प्रदेश वालों को भी जिम्मेदारी नहीं दूंगा भैया, मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी तो लो। ये किसकी कमी से हो रहा है? ये लोग तो बसते रहेंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये मसला नहीं है, ये मसला नहीं है।
हम पूछना चाहते हैं कि 2013 में क्या हुआ, जाके घुमा के सारी चीज बुला के इनसे पूछो, पिछले वर्ष आपने सितंबर के महीने में गन्ने का भाव घोषित किया था कि नहीं किया था? अब डेढ़ महीना हो चुका उस तारीख से, 26 सितंबर को पिछले वर्ष घोषित हुआ, अब तक इनसे गन्ने का भाव घोषित नहीं हो पा रहा। वहां की बात नहीं करना चाह रहे वो। अब मैं चैलेंज देता हूं पिपलेड़ा के इस मंच से कि चुनाव करीब आ रहा है, सब लोग जान गए, किसान तो समझ गया कि इस बार भरना नहीं है, भरना होता तो चुनाव के इस दबाव में घोषित हो जाता। लेकिन अभी तक ये जो कांप रहे हैं लखनऊ में बैठे बैठे, कांप रहे बाबा, क्यों घोषित नहीं कर रहे? मैं चैलेंज देता हूं कि 5 दिसंबर को तारीख है चुनाव की, जब तक वोट नहीं होती उससे पहले घोषित करो, लोगों को पता तो लगे। हमारा और कोई मुद्दा नहीं है, हम इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। गन्ने का अच्छा मूल दे दोगे तो किसान दूसरी निगाह से आपको देखेंगे। कोई गलत बात तो नहीं कह दी? इसी बात पे टिका है ना चुनाव? मेरा काम ही है कि इस नाते उन पर कुछ दबाव बनाऊं, कुछ अच्छा मिल जाए। इस बहाने आपको क्या पता, इस बहाने अगर किसान को कुछ अच्छा मिल जाए, क्योंकि इनके विधायक 255 जिताए, एक कम हो गया, 254 हो गए। अब 254 से एक और बढ़ा के दोबारा 255 जिताने में आपको क्या मिल रहा है? क्या मिलेगा जनता को? इनके विधायक तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे खेत में आपके यहां सांड। कोई ना पूछता ना भगा सकता उनको। तो ये सांडों को खूब खुराक दिया आपने 5.5 साल में, इन्हें और खुराक देनी है या इनसे निजात चाहते हो? तो सीधी सी बात है, रोक काट दो, हमारे मुद्दे तब जीतेंगे जब हमारा गठबंधन जीते। आपका दबाव तब काम आएगा। और इस 5 तारीख के चुनाव में या तो ऐसा विधायक बनाओ जो गन्ने पे, रोजगार पे, जो बिजली के मीटर लग रहे हैं उस पे, जो आपके मूल मुद्दे हैं उस पे वो लड़े भिड़े, वरना क्या होगा? वही है कि दलाली चलेगी किसी की। इनके घर की रौनक देखो, हर जिले में बीजेपी ने एक आलीशान कार्यालय बना दिया, नोटबंदी के बाद से ही बनाना शुरू किया था। हर जिले में ऐसा लगेगा, अंदर जाके देखोगे 5-स्टार होटल है। मैंने तो नहीं देखा अंदर से, लेकिन आप बताते हैं लोग, कुछ लोग हमारे लोग गए हैं वहां, मैं उन्हें भी न्योता दूंगा चुनाव में वापिस आ जाओ, लौट जाओ, क्योंकि घर में जितना सम्मान रहता है खुशी मिलती है काम करने में। औरों के यहां, गैरों के यहां पूछ नहीं मिल सकती, काम तो आपसे दुगना लेंगे, निचोड़ देंगे। वो दिखने लगता है आदमी, मैंने कई ऐसे लोग देखे जब तक लोकदल में थे अच्छे स्वस्थ दिखते थे, और भाजपा में चले गए तो ऐसा लगता है स्वास्थ्य बिगड़ गया उनका। खैर, आपके बीच आकर बहुत अच्छा लगा, मुस्कुराने का वक्त मिला और मुस्कुराते ही रहेंगे 5 तारीख तक। हर घर तक इस संदेश को पहुंचाने में आप मदद कीजिए। हाँ, और किसान की आवाज बुलंद हो, चौधरी चरण सिंह जी स्वर्ग में बैठे हैं, उन्हें भी ऐसा लगे कि हमारे लोग अभी भी संगठित हैं। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को जो कोई नेता नहीं कहेगा, इसलिए वोट मत देना लोकदल के चिन्ह पर कि आप मुझसे प्यार करते हो, इसलिए वोट देना कि आप ये चाहते हो कि जो उस विचारधारा को मैं लेकर आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, विचारधारा को आगे बढ़ाना। इस बात को मानोगे नहीं मानोगे? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। बहुत नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।